हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन इथिक्स के स्टडी 2019 से। सेकंड क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, मैं इससे पहले 7th क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इथिक्स के स्टडी का है कि ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट। एक सिविल सर्वेंट ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है और बिल्कुल सही होता है, अपराइट होता है। सिविल सर्वेंट्स पजेजिंग दीज क्वालिटीज आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक स्ट्रॉन्ग कोई संस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। इन लाइन ऑफ ड्यूटी दे टेक वेरियस डिसीजंस, एट टाइम्स सम बिकम बोनाफाइड मिस्टेक्स। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपने ड्यूटी करते वक्त ऐसे फैसले ले लेते हैं जो अनइंटेंशनली मिस्टेक बन जाती है, यानी कि वो चाहते नहीं है लेकिन वो बाद में जाके मिस्टेक प्रूव हो जाती है। एज लॉन्ग एज सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इंटेंशनली एंड डू नॉट बेनिफिट पर्सनली द ऑफिसर कैन नॉट बी सेड टू बी गिल्टी। जब तक वो डिसीजन हम ये प्रूव कर सकें कि वो डिसीजन इंटेंशनली नहीं लिया गया था, यानी कि वो सोच समझ के कोई साजिश नहीं की गई थी और ना ही उससे उस ऑफिसर को कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ है, तो हम उस ऑफिसर को दोषी नहीं ठहरा सकते। दो सच डिसीजंस में एट टाइम्स लीड टू अनफॉर्सीन एडवर्स कंसिक्वेंसेस इन द लॉन्ग टर्म। हालांकि ये ऐसे डिसीजंस बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। इन द रिसेंट पास्ट अ फ्यू इंस्टेंसेज हैव सर्फेस्ड वेरिन सिविल सर्वेंट्स हैव बीन इम्प्लीकेटेड फॉर। पहले ऐसी पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई थी जिन मिस्टेक्स के कारण सिविल सर्वेंट्स को सजा मिली थी, उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, यहाँ तक कि उनको जेल भी भेजा गया था। दीज इंस्टेंसेज हैव ग्रेटली रेटर्ड, उन्होंने जो फ्यूचर के सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मॉरल फाइबर को तोड़ा है, कि वो डिसीजन मेकिंग पावर को उनको तोड़ा है। हाउ डज दिस ट्रेंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों ये है कि जो ये ट्रेंड चल रहा है कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है बोनाफाइड मिस्टेक्स के लिए, ये ट्रेंड सिविल सर्विसेज की फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट करता है, पहला तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हम ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम ये एंश्योर करें कि जो ईमानदार सिविल सर्वेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो अगर उन्होंने अनइंटेंशनली बोनाफाइड मिस्टेक की है। तो देखते हैं हम इसका कैसा आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हमें बताना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है अफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज ड्यू टू दीज बोनाफाइड मिस्टेक्स। बोनाफाइड मिस्टेक्स नहीं, एक्चुअली प्रोसिक्यूशन आफ्टर बोनाफाइड मिस्टेक्स। तो इससे दोस्तों क्या होता है, पहला तो इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑफिसर्स। जो ये ऑफिसर्स होते हैं, नए ऑफिसर्स आते हैं, फिर वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि गलत डिसीजन हो गया तो उनको सजा हो सकती है, उनको जेल हो सकती है। तो इससे रेड टेपिज्म होगा, यानी कि उनको रोका जाएगा डिसीजन, वो सही से डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। और सेकंड जो पॉइंट है वो है कि इससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है जब बहुत ही बोल्ड डिसीजन ले और साहस से भरा हुआ डिसीजन ले और कुछ लोगों के अगेंस्ट भी जाएगा वो डिसीजन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो। लेकिन अगर इस तरह प्रोसिक्यूशन किया जाता रहा तो फिर जब वो ऑफिसर्स कभी भी सही फैसले, बोल्ड और कोरेजियस फैसले नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि कभी उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सके। और अगला, जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ये उनको हरास कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं एक ब्यूरोक्रेट हूं और मैंने कोई गलत फैसला ले लिया है, हालांकि वो सही है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स क्या करेंगे, उस जिस कमेटी ने उस पर जांच की है वो उनको फोर्स करेंगे कि इस फैसले को गलत बताओ और इस ऑफिसर को हरास करो और इनको प्रोसिक्यूट करो और इनको जेल में भेजो। तो इस तरह वो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को भी हरास कर सकते हैं उन पर गलत इल्जाम लगा के। तो ये एक टूल बन जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे जो ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं उनकी रेपुटेशन भी खराब होती है। मान लीजिए मैं कोई ब्यूरोक्रेट हूँ और मुझ पर ऐसा कोई इल्जाम लगा है, तो उससे क्या होगा, और मान लीजिए मैं एक बार जेल में
सलाखों के पीछे गया हुआ हूं और मैं अपनी सजा काट के आया हूं। तो जब आप समाज में आएंगे तो आपके ऊपर समाज में एक धब्बा सा लग जाता है कि ये करप्ट पुलिस करप्ट सिविल सर्वेंट है। तो इससे रेप्यूटेशन चली जाती है एक ऑनेस्ट ऑफिसर की भी, अगर पॉलिटिकल लीडर्स उनको गलत तरीके से फंसा दे तो। ओके, तो ये फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज पर असर पड़ता है। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या हम मेजर्स ले सकते हैं ताकि जो ईमानदार सिविल सर्वेंट है उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाए, सबसे पहले तो एंश्योरिंग मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी इट मीन्स जब आप डिसीजन लेंगे तो आप लिख के ये लिखेंगे कि मैंने इस वजह से ये मेरा डिसीजन लिया गया है। आपको कारण लिखना होगा कि आप क्यों ले रहे हैं, इसके क्या फायदे होने वाले हैं, ताकि बाद में जब कोई कमेटी उस पर जांच करे उस डिसीजन पर तो आप उसको वो रीजंस बता सकें। और दूसरी बात, लेजिस्लेटिव एक्शंस ले सकते हैं हम, कोई कानूनी कार्रवाई, जैसे कि होता कमेटी ने 2004 में कहा था कि सेक्शन 13(1)(d) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 1988 का जो करप्शन एक्ट को रोकने के लिए जो कानून है उसके सेक्शन 13(1)(d) में अमेंडमेंट करना है। और ये 13(1)(d) डील करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट। ये हम अभी देखने वाले हैं हम। इससे क्या होता है दोस्तों, जो ईमानदार सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रोसिक्यूशन से और हरासमेंट से हम रोक सकते हैं। तो हम 13(1)(d) को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए 13(1)(d) ये है, अ पब्लिक सर्वेंट इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट इफ ही बाय करप्ट और इलीगल मीन्स ऑफ, यानी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई ऐसी वैल्यूएबल थिंग या फिर कोई एडवांटेज कोई लाभ हासिल करे किसी इलीगल तरीके से दूसरे आदमी से तो वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाएगा उसको। या फिर वो अपनी पोजीशन को गलत तरीके से उपयोग करके कोई एडवांटेज ले, लाभ ले या फिर कोई वैल्यूएबल चीज हासिल करे। और इसी तरह अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई लाभ या कोई वैल्यूएबल चीज ले बिना किसी पब्लिक इंटरेस्ट के, बिना किसी जनहित के, ओके, तो इन सभी को क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाएगा। इसका मतलब इस सेक्शन की वजह से अब कोई भी दूसरा पब्लिक ऑफिसर किसी दूसरे पब्लिक ऑफिसर को हरास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ सेक्शन 13(1)(d) के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो दूसरे पब्लिक ऑफिसर का एडवांटेज ले रहा है उसको हरास करके। ओके, तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में पोलिटिसाइजेशन को कम कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स का प्रभाव कम हो। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए उनके खिलाफ फैसला लिया किसी पॉलिटिकल लीडर के, तो वो क्या करेंगे कि वो आपको ट्रांसफर करने की धमकी देंगे कि हम ऐसी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आपने सुना होगा नाम सिविल सर्वेंट्स का जिनका 54 बार ट्रांसफर हो चुके हैं, उनको जितनी साल उनकी जॉब नहीं हुई है, जिनकी सर्विस नहीं हुई है उससे ज्यादा उनके ट्रांसफर्स हो चुके हैं। और दूसरी बात, उनको प्रमोशंस के लिए मना कर दिया जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ अगर जाएंगे तो आप, इस तरह से क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग पावर पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी फिर पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में डिसीजन नहीं लेंगे भले ही वो लेना जरूरी क्यों ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने TSR सुब्रमण्यम 2013 जजमेंट में कहा था कि एक सिविल सर्वेंट को एक फिक्स्ड टिनेओर दिया जाना चाहिए कि उनको इस पोस्टिंग पर इतने साल बिताने ही होंगे, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद अगर देखना हो तो हम इंस्टीट्यूशंस का रोल भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हम जुडिशियरी को अप्रोच कर सके, जैसे कि अगर कोई सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है और अगर उसे लगता है कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई गलत की जा रही है तो वो जुडिशियरी को अप्रोच कर सकता है। और कोर्ट को भी अपने सद्विवेक से ऐसे फैसले देने चाहिए जिससे कि ब्यूरोक्रेसी को कोई गलत असर ना पड़े और अच्छी तरह से फैसले देने चाहिए। और दूसरा, IAS एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
या फिर और कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए ईमानदार ऑफिसर्स का, ताकि उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सके। और एक ऐसी मैकेनिज्म बनानी चाहिए एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ताकि इंटरनल इंक्वायरी कर, जब किसी के फैसले पर इंक्वायरी होती है कि उसका वो फैसला सही तरीके से लिया गया था या नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लिया गया था या नहीं, तो उस वक्त उनकी इंटीग्रिटी और उनके पीछे के रिकॉर्ड को देख को ध्यान में रखा जाए उनकी उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते वक्त। ओके, इसके खिलाफ इसके बाद जस्टिफिकेशन भी मांगा गया, आपने देखा होगा दोस्तों क्वेश्चन में, ये देखिए जस्टिफाई और आंसर। तो जस्टिफिकेशन हम अगर देखें तो इसका कारण ये है कि क्योंकि हर एक डिसीजन, हर एक सिविल सर्वेंट का हर एक डिसीजन हमेशा सही नहीं हो सकता, क्योंकि गलतियां हर एक से होती है, तो उन गलतियों का उनको इतना इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उनको जेल के पीछे जाना पड़े, अगर उन्होंने अनइंटेंशनली वो गलती की है, और अगर इंटेंशनली की है तो उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए दोस्तों। इसके बाद डायनेमिक एंड ऑनेस्ट ऑफिशियल्स, जो कि बहुत ही साहसी ऑफिसर्स हैं, जो रिस्क लेने के काबिल हैं और जो रिस्क लेते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए और उनको बढ़ाना चाहिए आगे, ताकि वो ऐसे ही बोल्ड डिसीजंस लेते रहें और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते रहें। तो इट मीन्स ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म नहीं आना चाहिए और उनके गलत डिसीजंस को भी प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। ओके, और ऑफिसर्स को ईमानदार और राइशियसनेस, सही सत्यमेव जयते, सत्य बोलना। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि हमेशा गलत पर सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि हमारे देश का नेशनल मोटो भी है सत्यमेव जयते। तो हर एक सिटीजन को, इंडिया के सिटीजन को सत्यमेव जयते पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो फॉर्मर कॉल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता थे, जिनको उनकी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता था और उनका बहुत ही साफ करियर रिकॉर्ड था, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था सीबीआई इंक्वायरी के बाद, क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट का केस था, लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी में उनके खिलाफ ऐसे कोई चार्जेस नहीं मिले जिससे उनको क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सके, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जब कोर्ट्स ने अच्छे कदम उठाए हैं। ओके दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन कि ब्यूरोक्रेसी पर क्या असर पड़ता है प्रोसिक्यूशन करने पर, और दूसरी बात हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आई होगी एथिक्स केस स्टडी। अगर ये समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे ये ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।